हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, और उसके बाद हम देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हैरोफेंट। ओके, लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो गाइज आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और करंट फीलिंग्स क्या है, दोनों ही मैंने निकाल लिए हैं। करंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, एक इंसान, एक तो नॉर्मल इंसान होता है जो जो सामने है उसे देखता है, उस पर रिएक्शन देता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता है, जैसी सिचुएशन चल रही है वैसे साथ में चलता है, मस्त रहता है अपनी लाइफ में। और कई बार ऐसी होती है हमारी लाइफ जब हम 24 घंटे किसी एक ही मुद्दे के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हमारी लाइफ का मुद्दा पैसा है तो हम पैसे के ही बारे में सोचते हैं, या फिर हमारी लाइफ का मुद्दा अगर शादी है तो हम शादी के बारे में ही सोचते हैं। तो इनकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो शादी में अटकी हुई है, और पूरी तरह से इनका जो दिमाग है वो इमोशनल है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गलत हैबिट्स में भी आ जा रहे हैं आपके पर्सन की जो इमोशनल सिचुएशन है। हो सकता है ड्रिंक करना, हो सकता है कि गलत आदतों में पड़ जाना, गलत संगत में पड़ जाना, बिकॉज ऑफ दिस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इमोशनली। ये शो नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अगर आपके पर्सन मेल हैं तो ज़्यादातर ऐसी एनर्जी है कि ये अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली में इनके अंदर क्या चीज़ें चल रही है, और ये अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के पर्सन के साथ नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से घिरे हुए हैं। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल ट्रॉमा है, और ये उस सिचुएशन से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जकड़न जैसा है, जैसे कि एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन से आपके पर्सन ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि कई बार ये इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ जो बबल फेज है, जो अच्छे आपके टर्म्स रहे हैं एक दूसरे के साथ, अच्छी मेमोरीज़ रही हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। कई बार ये अपने आप को पूरी तरह से अपने करियर में या अपने वर्क प्लेस पर झोंकने की कोशिश करते हैं कि चलो जितना हो सके अपने आप को बिज़ी करो, अपने आप को लगा दो कहीं पर भी, ताकि इतना दिमाग खाली ही ना रहे कि आप इनके दिमाग में आएँ। तो हर तरीके की सिचुएशन ये पैतरे अपने लाइफ में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें इनके फेवर में नहीं आ रही। करंट फीलिंग्स की बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन कहाँ अटके पड़े हैं, थर्ड पार्टी में, और यही मेन कारण है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हरा हुआ फील कर रहे हैं। या तो ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से ये चाह कर भी नहीं निकल पा रहे, इसीलिए अटके हुए हैं, और निकलना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट एट ऑफ कप्स। आपके पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कई बार इन्होंने किया भी होगा, बट हो सकता है आप समझे ना हो, आपने इन्हें बोल दिया हो नहीं नहीं तुम तो बड़े खुश हो, तुम तो इन्जॉय कर रहे हो, जाओ जाओ वहीं जाओ, यहाँ मत आओ।
तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, कई बार आप इनकी बातों का हो सकता है सही मतलब ना निकाल पाए हों, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं करना। वापस आने की एनर्जी है, इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का, या आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और बहुत क्विक एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी बहुत जल्दीबाजी वाली, तो जैसे ही इनका मन करेगा ये तुरंत से आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ये आपको बताएं या ना बताएं अपनी सिचुएशन, बट हाँ ये आपसे कम्युनिकेट करके अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है। यहाँ पर जो एनर्जी है आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ कांटेक्ट में हो और ये चीज़ें आपको पता हो, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले समय में आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स और सिचुएशंस हैं जो अभी इस वक्त हैं। थोड़ी हैवी एनर्जी है, आज मॉर्निंग में भी टैरो विद एम सिंह में मैंने जो रीडिंग करी थी थोड़ी सी हैवी एनर्जी थी वहाँ पर भी, और अभी तक वो एनर्जी है, उतनी हैवी नहीं है बट हाँ स्टिल एनर्जी हैवी लग रही है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। हार्ट चक्रा, डेविल एंड ट्रैप्ड इन फियर, एनर्जी हैवी है गाइस, अभी भी हैवी है। सन एंड जजमेंट, ये देखिए एक मेजर जजमेंट यहाँ पर होगा, बहुत जल्द होगा। ज़्यादातर लोगों के पर्सन इस एनर्जी में खुद भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, सच इनके सामने आएगा। सन की एनर्जी है, ये भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि इनकी लाइफ स्मूथ रहे, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी तरह की सिचुएशन ऐसी ख़राब ना रहे। ये उन लोगों से भी दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में जहां पर ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, मतलब जिस जगह पर ये बंधन फील कर रहे हैं, चाहे जेल जैसी एनर्जी है, जैसे किसी सिचुएशन में अटक कर रह गए हैं, उस सिचुएशन से भी ये दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं उन लोगों को अपने आप से दूर, तो ये अच्छी बात है। हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी है, तो अगर हार्ट चक्रा हील होगा तो ये इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, और ये जो डिसीजन होगा ये नई शुरुआत का होगा, उन नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएंगे, उन नेगेटिव लोगों की और उन नेगेटिव सिचुएशंस को ख़त्म करेंगे। एम्प्रेस का कार्ड भी है, ताकि अपनी लाइफ में खुश हो सके और हारमोनी क्रिएट कर सके। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है, आने वाला समय बहुत बेहतरीन है, बट अभी इस वक्त जो एनर्जी है वो हैवी है, तो आपको सब्र रखना है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, ये जो एनर्जी है ये एटलीस्ट 26 घंटे और रह सकती है, 26 आवर्स, 8 आवर्स, 17 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर की ये सिचुएशन होगी। लेट्स चेक कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। A light-filled angel is at your side. It watches over you at every dark doorway. जब भी आप खतरे की घंटी आपके ऊपर होती है, या कभी आपके ऊपर कोई एनर्जी होती है नेगेटिव, या कभी भी आप किसी डार्क फेज से गुजरते हैं, कोई नेगेटिव फेज से गुजरते हैं, तो आपके एंजल्स आप पर नज़र रखते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। और एंजल्स क्या होते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स कैसे दिखते हैं, क्या आपने कभी एंजल्स को देखा। यस, मैंने देखा है, मैंने रियलिटी में भी देखा है और ड्रीम में भी देखा है। रियलिटी में जो एंजल्स होते हैं वो हमारे आपकी तरह होते हैं, जो हमारी लाइफ में सडनली आते हैं और एक गुरु की तरह गाइड करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो टिकते नहीं हैं ज़्यादा दिन, वो हमेशा देखेंगे आप ना कोई आपके मुसीबत वाले समय में जो आए और सडनली आपको उस मुसीबत से उबार के निकल जाए, वो रियल में एंजल होते हैं।
इस धरती पर। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी, कभी आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो सकता है आप भी किसी के एंजल हो, आपने भी कभी किसी को बुरे वक्त में निकाला हो बाहर, तो आप खुद भी एंजल हो सकते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम कहीं घूमने जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो रोते रहते हैं, और अगर आपने उनसे कभी पूछा तो वो कहते हैं कि हमारा सामान चोरी हो गया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा सब कुछ चोरी हो गया, अब हम घर कैसे जाएंगे, हमारा आगे कैसे सिचुएशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो आजकल का ट्रेंड है, ये लोग तो शातिर लोग हैं जो बहाने मार के रोज़ बैठे रहते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर उनके लिए एंजल बनते हैं, उनके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो उनको उस मुसीबत के दौर से बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत सीन देखे हैं, इवन कई बार हमारे साथ भी ऐसे कोई ना कोई सीन हो जाते हैं जब हमें लगता है कि यार अब इस मुसीबत से हम कैसे बचेंगे, और सडनली कोई सिचुएशन एकदम से गायब हो जाती है, कोई ना कोई ऐसा एंजल आता है जो आपको सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स। तो वो रियल एंजल है, वैसे एंजल आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। और जो आपके अंदर एक मेंटेलिटी है वो फेरी वाले एंजल जिसके फेदर्स होते हैं, वो भी होते हैं, वो आपको ड्रीम में नज़र आते हैं, और रियलिटी में तब नज़र आते हैं जब आप अपनी सोल को अवेकन करें। तो किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था तो मैं उनको जवाब दे रही हूँ, पता नहीं वो वीडियो देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, बट अगर एंजल्स चाहेंगे तो वो वीडियो इनके सामने आ जाएगी। तो रियलिटी में आप उनको देख पाते हो जब आपकी आँखें उनको देखने लायक हो जाती हैं, ठीक है। और ड्रीम्स में अक्सर आपको दिख सकते हैं, जब आप उन पर बिलीव करते हो तब वो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। अब आपको अगर ये खाली मूर्तियाँ लगेंगी तो आप इन पर, आपको विश्वास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट अगर आप इनको रियल में समझोगे कि हाँ मेरे सामने साक्षात प्रभु विराजे हैं, तब आप इन पर बिलीव करोगे और जो आप बोलोगे वो सुनेंगे, वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो आपके अंदर विश्वास कितना है वो चीज़ आपको उनको मिलवा सकती है, चाहे वो एंजल से मिलना हो, आपके एंसेस्टर से मिलना हो, आपके स्पिरिट गाइड से मिलना हो, आपके ईष्ट से मिलना हो, तो ये सब लोग आपको सुनते हैं, ठीक है, हर वक्त सुनते हैं। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। हमेशा ताकतवर बने रहिए, कमज़ोर लोगों की धरती है नहीं, कमज़ोर लोगों का कलयुग में कुछ नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल, हाँ काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो क्या हम गुस्सा कर सकते हैं, या गुस्सा करना तो फिर लोअर वाइब्रेशनल एक्टिविटी हो गई। बिल्कुल नहीं, आप गुस्सा क्यों करेंगे, आप रिएक्शन दे सकते हैं ना। और कई बार क्या होता है कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अगर आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में हैं, अगर आप अवेकन सोल हैं, तो आपको पहली बात तो जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। आप कृष्ण भगवान की तरह अपने आप को समझा कीजिए, कभी भी आपका रोल मॉडल भगवान कृष्ण होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने महाभारत में आपको एक एक चीज़ सिखाई है, कैसे व्यक्तियों के साथ कैसे डील करना है, ये सब आप एक बार महाभारत पढ़ लीजिए, आपको पूरी सिचुएशन पता चल जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं या आप स्पिरिचुअल हैं तो आप शस्त्र मत उठाइए, या आप हार मान के बैठ जाइए, आप गुस्सा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, जहाँ न्याय की बात होगी वहाँ आपको गुस्सा करना है, वहाँ पर आपको स्टैंड लेना है। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम आज मैं गुस्सा हो गई या गुस्सा हो गया, मेरी एनर्जी लो हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं अवेकन नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गुस्सा तब करते हैं जब आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा। हाँ, आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को लेकर दिन भर गुस्सा कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, इसका मतलब है कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। बट अगर आप कहीं पे आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप शांत भाव से उनको समझाएंगे, तो आप पहले तो शांत भाव से ही समझाएंगे, बट अगर कई लोग होते हैं जो शांति की भाषा नहीं समझते, तो वहाँ पर तो आपको अपनी तरीके से समझाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में गुस्सा करना गलत नहीं होता। लास्ट कार्ड है, रिलीज योर इनर रेबल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। अपनी कायनात खुद बनाइए, क्रिएट कीजिए, आप जैसा
लाइफ चाहते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी भगवान ने दिया है, भगवान ने आपको इंसान का जन्म इसीलिए दिया है कि आप अपना यूनिवर्स क्रिएट कर सके। आप कैसा घर चाहते हैं, आप कैसे लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आप कैसे अपनी वाइब्रेशन को रेज करना चाहते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को कैसा रखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप अपना यूनिवर्स खुद बना सकते हैं। अभी हमें अच्छी हवा चाहिए या अच्छी हरा भरा इन्वायरमेंट चाहिए तो हम भागते हैं नॉर्थ साइड में, चलो पहाड़ी क्षेत्र में चलते हैं, वहाँ पर हमें सांस मिले। अरे आप अपने घर के आसपास इतना हरा भरा, इतना ग्रीनरी रखो कि आपको अच्छी हवा, अच्छा वातावरण मिले, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका खुद का यूनिवर्स है। अब इसको आप छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अपने सिटी को, अपने स्टेट को, आप किस हद तक जाकर अपना यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो। एंजल्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं। तो ये थी गाइज आज की गाइडेंस। मैं एंजल गाइडेंस में ही कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ जो मुझे लगता है कि बतानी चाहिए आपके सवालों के जवाब, वरना कई लोगों को आगे बता दो तो प्रॉब्लम होने लगती है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।